दोस्तों पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व किया जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व थी जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन मौजूद थी। अब हम अनदर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। सो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को देखते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर The absolute value of a real number A is denoted by absolute A. Absolute A इन दो वर्टिकल बार को हम एब्सोल्यूट ए पढ़ेंगे एंड इज डिफाइंड एज और इसकी तारीफ कैसे की जाती है डेफिनेशन के मुताबिक एब्सोल्यूट वैल्यू ए की इक्वल होगी इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि अगर ए जीरो से बड़ा है पॉजिटिव है या इक्वल है जीरो के तो हम ए को एज इट इज लिख लेंगे, यानी कि इन कॉलम्स के अंदर जो वैल्यू है ए की वो एज इट इज आ जाएगी और माइनस ए लिखेंगे इफ ए लेस देन जीरो। अगर ये एब्सोल्यूट के अंदर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो यानी कि जीरो से कम हो तो उसके साथ हम एक माइनस साइन और लगा लेंगे। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 आ रही है तो बाय कीपिंग इन माइंड द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर एब्सोल्यूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वो एज इट इज आ जाएगी। So, यहां पर क्योंकि 6 जो है वो पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो 6 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर जो नंबर है वो इक्वल या ग्रेटर देन 0 हो तो वो एज इट इज आ जाता है। सो हमारे पास 0 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास -6 आ रहा हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास यहां पर देखें तो नंबर अगर जो एब्सोल्यूट के अंदर नंबर है वो लेस देन जीरो यानी कि अगर वो नेगेटिव हो तो उसके साथ हम माइनस एक एक्स्ट्रा लगाते हैं तो यहां पर माइनस लगा के आगे ए की वैल्यू विच इज -6 इन दिस केस वो हम यहां पर लिखेंगे। आप देखें क्योंकि दो दफा माइनस आ रहा है तो माइनस और माइनस कैंसिल होके +6 हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने देखा कि कोई भी नंबर हो अगर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर होगी। ये इन वैल्यूज में हमने इन एग्जांपल्स में हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके देखी। अब हम वेरिएबल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके देखते हैं उसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट एक्स इज इक्वल टू 6। तो अगेन बाय कीपिंग इन माइंड द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू यहां पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ सकती हैं x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -6 बिकॉज बोथ दीज इक्वेशंस सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। क्योंकि अगर हम यहां पर 6 रखते हैं तब भी 6 इक्वल टू 6 आता है, अगर यहां पर हम -6 रखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह तब भी हमारे पास 6 आता है, यहां पर हम ये देख चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की दो इक्विवेलेंट इक्वेशंस बनती हैं। नाज़रीन जिस तरह यहां पर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की दो इक्वेशन बनी है इसी तरह हमारे पास आगे जब क्वेश्चन आएंगे उनकी भी हम दो इक्विवेलेंट इक्वेशंस बनाएंगे देन उनको हम फिर सॉल्व करेंगे। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए और बी, हम लिख लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ए की तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी, हमने यहां पर एग्जांपल में देख भी लिया है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास है अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ऑफ अ नेगेटिव नंबर और उसका नेगेटिव साइन रिमूव कर देते हैं तब भी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। थर्ड नंबर पर है हमारे पास अगर
दो रियल नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर इंडिविजुअली लिख सकते हैं। इसी तरह अगर दो नंबर एब्सोल्यूट के अंदर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका हम एब्सोल्यूट इंडिविजुअल्स का अलग अलग लिख सकते हैं। इसी कुछ मजीद प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि हम हर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, इस क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज को और आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जिस तरह हमारे पास रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जब हम रेडिकल साइन को रिमूव करते हैं तो जो इक्विवेलेंट इक्वेशंस हासिल होती हैं उनके बाज़ुकात सम रूट्स ऐसे निकल आते हैं जो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह एब्सोल्यूट लीनियर इक्वेशन में भी कुछ ऐसी इक्विवेलेंट इक्वेशंस आ जाएंगी जिनके रूट्स हमारी ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ऐसे रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे और दैट रूट्स मस्ट बी रिजेक्टेड और इनको हम अपने सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। आइए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। दोस्तों क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे पास जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास दो कंडीशन आ सकती हैं, ए अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस से इफ ए लेस देन जीरो। अब क्योंकि इस वैल्यू को हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है सो हम दो कंडीशन बना लेते हैं, 3x+10 को एक दफा पॉजिटिव मानते हैं कि ये पॉजिटिव है इक्वल टू राइट साइड जो आ रही है वो एज इट इज आ जाएगी और एक दफा इसको नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं कि ये माइनस है इज इक्वल टू 5x+6 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने एक्सरसाइज 7.1 में सॉल्व किया था कि हमने x को पूरी इक्वेशन से आइसोलेट करना है। सो यहां पर 3x एज इट इज आ जाएगा, ये 5x हम इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट करेंगे इसका साइन चेंज होके -5x हो जाएगा, 6 एज इट इज रहेगा, ये 10 उस तरफ जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो 3x-5x-2x बनेगा विच इज इक्वल टू 6-10-4 के, और क्योंकि -2x से मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि डिवाइडिंग वो साइज बाय -2, इधर वाला -2 कैंसिल आउट हो गया और इधर इज इक्वल टू -2, 2x4 और -- से कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू 2y। इसी तरह इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, इसमें भी x को आइसोलेट करते हैं। सबसे पहले हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई कराएंगे, -3x-10 हो जाएगा इज इक्वल टू 5x+6। अब हमने x को आइसोलेट करना है सो हम -3 एज इट इज लिखेंगे, -3x, 5x अब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव है तो -5x हो जाएगा, 6 एज इट इज उधर लिखेंगे, ये माइनस का 10 जब उस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब -3 और -5 -8x बनेंगे और यहां पर 6+10 16 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16, -8 से बोथ साइड हमने डिवाइड किया तो 8 2 times 6 16 होता है तो x इज इक्वल टू माइनस साइन भी आ रहा है तो -2 आ जाएगा। अब हमारे पास यहां पर ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन थी इससे दो इक्विवेलेंट इक्वेशंस बनी जिससे हमने दो वैल्यूज x की फाइंड आउट कर ली। अब हम चेक करते हैं आया कि ये दोनों वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं या कि नहीं। जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं से इसको 1 का हम नाम दे देते हैं वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगी, और जो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी उसको हम एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन का नाम देंगे और उसको हम अपने सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं लेंगे। तो चेक करने के लिए हम प्लग इन करते हैं x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। सो जहां पर हमारे पास x आ रहा है वहां पर हम 2 को पुट करते हैं इज इक्वल टू 5x की जगह 2 आ जाएगा +6। यहाँ पर हमारे पास x इन्वॉल्व है इसकी जगह हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास x इन्वॉल्व है यहाँ पर भी हमने 2 लिख दिया, 3 2 times 6+10 इज इक्वल टू 5 2 times 10+6 तो 16 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 16 आ गया। तो 16 का एब्सोल्यूट लें क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक पॉजिटिव नंबर एज इट इज आ जाता है, 16 एज इट इज आ गया, राइट साइड में भी 16 है सो ये ट्रू आ गया।
So x is equal to 2 is the part of our solution set. So hum ye likhenge. So x is equal to 2 is a solution. Ye ek solution hai. Now similarly ab hum check karenge jo x ki dusri value hai usko. X ki dusri value kyunki hamare paas yahan par minus 2 hai. To same usi tarah hum minus 2 ko plug in karenge equation 1 mein. तो जहां पर x आ रहा है वहां पर हम माइनस टू लिखेंगे प्लस 10 इज इक्वल टू 5 जहां पर x है वहां पर माइनस टू प्लस 6 तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास x दो जगह आ रहा था यहां पर भी हमने माइनस टू पुट कर दिया और यहां पर भी हमने माइनस टू पुट कर दिया माइनस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास माइनस 10 प्लस 6 माइनस सिक्स प्लस टेन फोर बनता है इज इक्वल टू माइनस फोर और फोर का एब्सोल्यूट वैल्यू फोर है और ये माइनस फोर के इक्वल विच इज फॉल्स सो क्योंकि ये फॉल्स आ गया क्योंकि फोर नॉट इक्वल टू माइनस फोर है फॉल्स बन गया हमारे पास ये सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सोल्यूशन सेट सो हम लिखेंगे सो एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज एन extraneous root और हमारा जो solution set है वो आ जाएगा x की वो value जिसने satisfied की थी given equation वो थी x is equal to 2 यहाँ पर जो कि हमारे part था solution का तो इस तरह करके हम इसी तरह हम सिमिलरली अब हम एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे और उनका सलूशन चेक भी करेंगे